गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज लेक्चर नंबर सेकंड ऑफ चैप्टर सेकंड न्यूट्रिशन इन एनिमल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डाइजेशन इन ह्यूमन। फर्स्ट लेक्चर में हमने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ा था। क्या था एलिमेंट्री कैनाल? एलिमेंट्री कैनाल में हमारे पास आता था बक्कल कैविटी, फूड पाइप और इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो उससे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम? एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटिव ग्लैंड्स आर नोन एज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। एलिमेंट्री कैनाल तो हमने डिस्कस कर लिए। व्हाट आर एसोसिएटिव ग्लैंड्स? एसोसिएटिव ग्लैंड्स मीन जो एलिमेंट्री कैनाल के साथ ग्लैंड्स हैं वो कौन कौन से थे? सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड पेनक्रियाज। तो ये सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियाज और एलिमेंट्री कैनाल मिलके क्या बनाती है? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन। फूड कंपोनेंट ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। कि भाई एलिमेंट्री कैनाल के जो अलग अलग कंपार्टमेंट है उनके थ्रू जब फूड ट्रेवल करता है तो वो ग्रेजुअली डाइजेस्ट होता रहता है। द इनर वॉल ऑफ द स्टमक, द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द वेरियस ग्लैंड सच एज सलाइवरी ग्लैंड्स, द लीवर एंड द पेनक्रियाज क्रिएट डाइजेस्टिव जूसेज। द डाइजेस्टिव जूसेज कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस। कि जैसे जैसे स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू फूड ट्रेवल करता है तो क्या होता है कि जितने भी हमारे पास ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स है, लीवर है, पेनक्रियाज है, ये क्या करते हैं? डाइजेस्टिव जूस को सेक्रेट करते हैं और वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके फूड के साथ मिक्स हो जाते हैं और जो हमारा फूड है वो क्या हो जाता है? डाइजेस्ट हो जाता है, मीन्स सिंपलर सब्सटेंस में वो कन्वर्ट हो जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटिव ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट डाइजेस्टिव सिस्टम। कि एलिमेंट्री कैनाल और उसके साथ जो ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर, पेनक्रियाज, ये मिलके क्या बनाते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। व्हाट हैपन टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट? यानी कि एलिमेंट्री कैनाल में जब फूड डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से ट्रेवल करता है तो उसके साथ क्या होता है, वहाँ पे कौन कौन सी फंक्शनिंग होती है? तो यानी कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जितने भी हमारे पास पार्ट्स हैं सभी की हम प्रॉपर फंक्शनिंग उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारे पास बक्कल कैविटी एंड माउथ। द फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू माउथ। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। कि जब हम फूड इनटेक करते हैं थ्रू द माउथ तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंजेशन। वी चेव द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट इनटू द स्मॉल पीसेस। हम टीथ की हेल्प से फूड को क्या करते हैं? च्यू करते हैं, तो उसको स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन करते हैं। और माउथ हैज सलाइवरी ग्लैंड्स विच सेक्रेट सलाइवा। सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू सुगर। माउथ के अंदर कौन सा ग्लैंड है हमारे पास? सलाइवरी ग्लैंड्स है। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या सेक्रेट करता है, प्रोड्यूस करता है? सलाइवा। और सलाइवा का क्या फंक्शन है? कि जो फूड के अंदर स्टार्च होता है उसको सिंपल सुगर में वो कन्वर्ट कर देती है। क्योंकि हमारी बॉडी जो स्टार्च को डाइजेस्ट नहीं कर सकती तो उसके लिए वो किस में कन्वर्ट होना पड़ेगा? उसको शुगर में। नेक्स्ट पार्ट इज द फूड पाइप और ईसोफेगस। अब इसका क्या फंक्शनिंग होता है? द स्वेलोड फूड पासिस इनटू द फूड पाइप और ईसोफेगस। यानी कि चिविंग करने के बाद माउथ से फूड कहाँ पे जाता है? ईसोफेगस, यानी कि फूड पाइप के अंदर। द फूड पाइप रन अलोंग द नेक एंड द चेस्ट। द फूड इज पुश डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुश द फूड डाउनवर्ड। कि ईसोफेगस के अंदर एक मूवमेंट चलती है फूड पाइप के अंदर जो फूड को क्या करती है? डाउनवर्ड पुश करती रहती है। और ये इस तरह की मूवमेंट जो है वो थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल चलती रहती है। यानी कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होगी, लार्ज इंटेस्टाइन में भी होगी। तो बेसिकली फूड पाइप क्या करता है? फूड को डाउनवर्ड पुश करता है और उसके बाद वो फूड कहाँ पे जाता है? स्टमक में। द स्टमक इज थिक वॉल्ड बैग। इट्स शेप इज लाइक फ्लैटेंड यू और जे एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल।
स्टमक जो है वो थिक वॉल्ड बैग है हमारे पास, यू और जे की शेप में होता है वो, और ये एलिमेंट्री कैनाल का वाइडेस्ट पार्ट है। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द पाइप एट वन एंड एंड ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर एंड। यानी कि ये क्या करते हैं, जो हमारी पास ईसोफेगस था, फूड पाइप थी, एक साइड से तो वहाँ से फूड को रिसीव करता है और दूसरी तरफ स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको भेज देता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सेक्रेट म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, द एसिड किल मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर विद द फूड एंड मेक द मीडियम द स्टमक एसिडिक। द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इन टू सिंपलर सब्सटांसिस। यानी कि हमारे जो स्टमक है, स्टमक के अंदर बेसिकली हमारे पास क्या होता है, म्यूकस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है एंड डाइजेस्टिव जूसेज है। म्यूकस का क्या काम है, म्यूकस जो है स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या फंक्शन है कि फूड के साथ जो बैक्टीरिया जो एंटर कर जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको किल कर देता है और स्टमक के अंदर का जो मीडियम है उसको एसिडिक बना देता है। डाइजेस्टिव जूसेज क्या करते हैं कि जो भी प्रोटीन है फूड के अंदर, जो प्रोटीन है उसको सिंपलर सब्सटेंस में वो ब्रेक डाउन करते हैं। तो फूड जो हमारा स्टमक है, स्टमक के अंदर बेसिकली हमारे पास क्या क्या होता है, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेज। उसके बाद जो फूड है वो कहाँ पे पहुँच जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ हाईली कॉइल्ड एंड इज़ अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की हमारी जो लेंथ है वो 7.5 मीटर होती है। इट रिसीव सेक्रीशन फ्रॉम द लीवर एंड पेनक्रियाज। लीवर और पेनक्रियाज के अंदर जो डाइजेस्टिव जूस बनते हैं वो कहाँ पे आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन खुद भी अपना डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करती है। बिसाइड इट्स वॉल आल्सो सेक्रेट जूसेस। द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड नाउ रिचिज द लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द इंटेस्टिनल जूस कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द फूड। अब जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, हाफ डाइजेस्टेड फूड है, वो लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है जहां पे फर्दर जो डाइजेशन है वो कंप्लीट होती है। तो एक बात और हम यहां पे याद रखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लगभग डाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो फूड के अंदर बेसिकली हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। तो ये किस में कन्वर्ट होंगे, जो कार्बोहाइड्रेट हैं, कार्बोहाइड्रेट गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर शुगर सच एज ग्लूकोज, फैट इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड्स। तो जो अमीनो एसिड हैं, फैटी एसिड्स हैं और ग्लूकोज हैं, ये सिंपलर सब्सटेंस हैं, इनको बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है। जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैं, इनको बॉडी एज इट इज़ एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। नेक्स्ट है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से शॉर्टर होती है लेंथ में। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी थी हमारी, नियर अबाउट 7.5 मीटर। लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो 1.5 मीटर के अराउंड होती है। इट्स फंक्शन इज़ टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम साल्ट फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया कि भी स्मॉल इंटेस्टाइन में लगभग जो डाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद जो फूड के अंदर कुछ वाटर और सॉल्ट बचते हैं वो कहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। द नेक्स्ट इज एनस। जो एलिमेंट्री कैनाल का जो लास्ट पार्ट है वो है एनस। द रिमेनिंग वेस्ट फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन passes into the rectum and remain there as semi-solid feces. The faecal matter is removed through the anus from time to time. This is called ejection. यानी कि large intestine के बाद जो remaining waste है वो कहाँ पर आता है, वो rectum में store हो जाता है आके, और rectum के बाद जो anus है, anus के through वो waste product के रूप में body से बाहर remove हो जाता है, और इस process को हम क्या कहेंगे, ejection. देखिए जब हम बक्कल कैविटी पढ़ रहे थे माउथ, वहाँ पे एक वर्ड आया था इंजेशन। इंजेशन का मीनिंग होता है कि इनटेक ऑफ फूड, और यहाँ पे वर्ड है इजेशन। इजेशन का मीनिंग है रिमूवल आउट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। तो इन दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है,
इजेशन में क्या करते हैं कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिमूव करते हैं बॉडी से, इंजेशन में क्या करते हैं फूड की इनटेक करते हैं। अब ये तो सारे के सारे हमारे पार्ट्स थे एलिमेंट्री कैनाल के। अब उसके साथ ही हमारे पास क्या आता है, ग्लैंड्स। तो व्हाट इज़ ग्लैंड्स? ग्लैंड इज एन ऑर्गन विच प्रोड्यूस एंड रिलीज केमिकल सब्सटेंस दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन इन द बॉडी। कि ग्लैंड वो एक ऑर्गन है जो क्या करता है, कुछ केमिकल सब्सटेंस को बॉडी के अंदर रिलीज करता रहता है, प्रोड्यूस करता रहता है कुछ स्पेसिफिक फंक्शन के लिए। बॉडी के अंदर कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमने तीन तरह के ग्लैंड को डिस्कस किया है। द फर्स्ट इज सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड कहाँ पे होता है? माउथ में। और माउथ हैज सलाइवरी ग्लैंड विच सेक्रेट सलाइवा। द सलाइवा ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर। कि सलाइवरी ग्लैंड का क्या काम होता है? सलाइवा को प्रोड्यूस करना। सलाइवा क्या करेगी? फूड के साथ मिक्स हो जाएगी और उसके अंदर जो स्टार्च है उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देगी। द नेक्स्ट इज लीवर। लीवर इज ए रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। जो हमारे पास ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो डायग्राम है उसमें आप देखिएगा राइट साइड में लीवर होता है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बन जाता है 1 मार्क्स में कि लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी क्या है? लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। इट सेक्रेट बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन ए सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। अब डायग्राम में वहाँ पे गॉल ब्लैडर दिखा रखा है। तो क्या होता है, लीवर जो बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है वो कुछ टाइम के लिए कहाँ पे स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर के अंदर। द बाइल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट। तो लीवर के अंदर से जो बाइल जूस जो प्रोड्यूस होता है वो बेसिकली किसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं? फैट को। पेनक्रियाज, हमारे पास एक अलग तरह का ग्लैंड है। पेनक्रियाज क्या करता है? पेनक्रियाज इज़ ए लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। तो डायग्राम में आप ध्यान से देखिएगा, स्टमक के जस्ट बिलो हमारे पास क्या होता है? पेनक्रियाज होता है। द पेनक्रियाटिक जूसेस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन एंड चेंज देम इनटू सिंपलर फॉर्म। पेनक्रियाज क्या प्रोड्यूस करती है? पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करती है। पेनक्रियाटिक जूस क्या करेगी? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को चेंज कर देती है सिंपल कंपोनेंट के अंदर, क्योंकि सिंपल कंपोनेंट जो होंगे उसी को बॉडी क्या कर पाएगी? एब्जॉर्ब कर पाएगी। तो ये थे हमारे पास तीन तरह के ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड बेसिकली प्रोड्यूस करेगी सलाइवा, स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देती है? शुगर में। लीवर क्या प्रोड्यूस करता है? बाइल जूस। बाइल जूस क्या करते हैं, क्या करेंगे? फैट को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देंगे। पेनक्रियाज, पेनक्रियाज क्या प्रोड्यूस करती है? पेनक्रियाटिक जूस। वो क्या करेंगे? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आज के हम टॉपिक में जो हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है कि डाइजेशन कैसे होती है ह्यूमन बींग के अंदर, और जो एलिमेंट्री कैनाल के जितने भी पार्ट्स हैं उनको हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो बच्चों, आपको ये सारा अपनी फेयर नोटबुक के अंदर लर्न करके वीडियो को अच्छे से देख के समझ गए और तब आपने फेयर नोटबुक में लिखना है। ठीक है, हैव ए नाइस डे।